press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभित मिश्रा आपके साथ, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। मतलब क्या होता है कि इस क्लाइंट्स का ही मतलब है, आपके गोल्स जब सेट होते हैं ना, तो आपके अंदर जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाहर निकल के नहीं आ पाती हैं, जो चीज़ें आप कर नहीं पाते हैं उसे आप कर सकते हैं। बिलीव करिए इन सब चीज़ों पर। जो आपका लाइफ है वो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी बिल्कुल, पहले आपका गोल सेट होना चाहिए। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की। एक बात मैं आपको समझा दूं, जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं मुझसे, तो मंडे को जो हमारी क्लास होती है बेटा, वो एमसीक्यू वाली क्लास ही होती है। ट्यूसडे से आपको वैसे ही सीए मिलने लगता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आ रहा है और आपको आंसर देना है। आपने लास्ट वीक जो पढ़ाई की है उसका एक टेस्ट है ये, तो एक टेस्ट की तरह से लीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पर सुनाई पड़ रहा है, देखिए यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 67 किलोग्राम कैटेगरी एट द EGAT कप इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इन थाईलैंड। हम सब जानते हैं कि मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन यहाँ पर सिल्वर मेडल की बात हो रही है और 67 kg की बात हो रही है। क्या इसका आंसर होने वाला है? EGAT कब इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग जो है ये थाईलैंड में हुई, ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। मिलिट्री बोल रहा है कि मुझे PDF नहीं मिली अभी तक कोई, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, डाउनलोड करना पड़ता है जाकर वहां पर। और आंसर यहां पर आने शुरू गए हैं। और इसका आंसर क्या? इसका आंसर है जेरेमी लाल रिनुंगा, ये मिजोरम के एथलीट हैं, मिजोरम के एथलीट हैं, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 67 kg कैटेगरी में। ठीक है, बहुत सही है सर। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर, द न्यासी ट्राइब ऑफ दिस स्टेट इज सेलिब्रेटिंग इट्स फोर्टनाइट लॉन्ग भूरी भूत येलो फेस्टिवल विच इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो आपको बताना है कि किस राज्य की न्यासी जनजाति अपना 2 सप्ताह लंबा भूरी भूत येलो त्यौहार मना रही है, जो हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर देना है क्या इसका आंसर है। तो ये आपके लास्ट वीक का रिवीजन है, जो भी आपने पढ़ा है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को सीरियसली लेना है और अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज वीक तो बीत चुका है। तो पूरे लास्ट वीक में आपने क्या किया है उसकी एक झलक है यहाँ पर ये। और इसका आंसर बच्चे दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, क्या इसका आंसर होगा? एंड अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, On 8 February 2019, the Jammu and Kashmir government approved the creation of a separate administrative revenue division for this region.
तो जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस रीजन के लिए, इस जगह के लिए एक अलग प्रशासनिक राजस्व प्रभाग बनाने को मंजूरी दे दी है। चलिए क्या इसका आंसर हुआ देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपसे एक लोग सोनम मुझसे पूछ भी रही थी, तो सोनम का आंसर तो सही होगा यहाँ पर। चलिए आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा देखते हैं। और यहाँ पर आंसर हमारा शुरू हो गया है और बच्चे बोल रहे हैं लद्दाख, तो लद्दाख क्या इसका सही आंसर है, तो लद्दाख इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे बढ़े दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द लिमिट फॉर कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन टू रुपीज दिस अमाउंट लैक फ्रॉम 1 लाख। कोलैटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी। आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना। कोलैटरल फ्री का मतलब हो गया कि विदाउट एनी सिक्योरिटी आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन मिलेगा। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स वाली क्लास देखी होगी शनिवार को, तो मैंने उसमें एक इमेज डाली थी, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर था। क्या इसका आंसर होगा देख लेते हैं यहाँ पर। ऑल लाइक्स करंट नेवी चीफ बेटा सुनील लांबा है, क्यों आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि उनके बाद कौन बना है? कोई बना ही नहीं उनके बाद, जो वाइस चीफ होता है वही बनेगा। अब वाइस चीफ कौन है, तो अगर आप मेरा शो देखते हैं तो कई बार आपको ये पढ़ाया गया है। चलिए आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज 1.6 लाख। तो 1. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.6 लाख हो गया है, पहले 1 लाख रुपए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं आपके सामने यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड इट्स 8th राउंड ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग डे अक्रॉस द कंट्री ऑन 8 फरवरी, यानी 8 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया गया, किसने किया ये आपसे पूछा गया है। अब ये बात हो रही है डिसीज की, बीमारी की, तो यार हेल्थ वाली बात ही होगी यहाँ पर। तो इसका आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको याद होना चाहिए कि 8 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। किसने बनाया तो आपके सामने आंसर है, वो भी देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019 इंडिया वॉज रैंक्ड एट। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है ये आपको बताना है। तो ये सैटरडे वाली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, एक्स्ट्रा हाइलाइट्स में ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे, और इसका आंसर क्या होगा ये आपको देना है यहां पर। चलिए आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। प्रांजल पांडे जो है शायद वो मार खाने वाले हैं, 37th ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा, एंड आंसर इज 36। प्रांजल बेटा 37 ऑप्शन में ही नहीं है यार, थोड़ा सा सुबह नींद खोलो जल्दी अपनी तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनविल्ड अ 19 फुट हाई स्टैचू ऑफ गुरु पद्म संभव ऑन 8 फरवरी। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुरु पद्म संभव की 19 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ पर 5 ऑप्शन फिर से आपके सामने है और आपको इसका आंसर देना है। मैंने सैटरडे वाली क्लास का पीडीएफ नहीं मिल पाया था आपको, डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा एक बार, देख लीजिएगा। और आज का पीडीएफ चाहिए तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको कमेंट में दे दूंगा लाइव चैट में। टाइपिंग मिस्टेक हो गई ऐसी बहुत सारी मिस्टेक लाइफ में होती हैं, सब बच के रहना बेटा, है ना। और एक मिस्टेक तुम लोग करने वाले हो अभी इसी वीक में, मत करना वो मिस्टेक, ठीक है, पढ़ाई करना ध्यान से। एंड द आंसर इज ओडिशा, ओडिशा इज राइट आंसर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की आपके सामने यहाँ पर। देखिए तो वेयर वॉज द जीरो Fatality corridor launched to examine the cause for accident and crashed on 6 फरवरी। तो 6 फरवरी को हादसों और दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए जारी फैटिलिटी कॉरिडोर कहां शुरू किया गया है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है इस स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट बोलो या यूटी बोलो, आपको आंसर पता होगा कैसा आंसर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, टाइमली आया करो, 7:30 पर हमारी क्लास होती है, बढ़िया से पहले नहा धो लिया करो, एक कॉफी या एक चाय के साथ सेशन को शुरू करो पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एंड द आंसर इज दिल्ली, दिल्ली इज राइट आंसर, बेंगलुरु नहीं है जी, दिल्ली आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, वेयर वॉज द इवेंट सर्जिंग सिल्क एकम्प्लिशमेंट एंड वे फॉरवर्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9 फरवरी। तो 9 फरवरी को सर्जिंग सिल्क एकम्प्लिशमेंट एंड अ फॉरवर्ड कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था। सर्जिंग सिल्क एकम्प्लिशमेंट एंड वे फॉरवर्ड, ये कहां पर हुआ था ये आपसे पूछा गया है, मतलब कि इवेंट की बात यहां पर हो रही है, यहां पर इवेंट की बात हो रही है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है। हाँ बिल्कुल, नहाना भी होता है यार, हो जाता है, एक जिद है तो जिद है ना। क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए यहां पर, तो एज पर एन MOU signed between India and Bangladesh on 8 February, how many Bangladesh civil servant will be trained at the National Center for Good Governance?
तो 8 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में बांग्लादेश के कितने लोक सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यहां पर आपको आंसर देना है, क्या इसका आंसर है। और आंसर आपको देना है, यहां पर आंसर आने शुरू हो गया है, 1800 इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हु वॉज कन्फर्ड द लीजियन डी ऑनर ऑन 6 फरवरी। तो ये जो पर्सन है ये बंगाल के एक 92 ईयर ओल्ड एक फादर हैं, उनको मिला है ये लीजियन डी ऑनर अवार्ड। क्या इनका नाम है ये आपको बताना है। वेरी गुड, आंसर गलत आ रहे हैं काफी, सही आंसर दो भाई लोग। हाँ, 1800 इज राइट वन, इजी वन। विश्वजीत वेरी गुड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही अच्छा है। आइए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फ्रैंकोइस लेबोर्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा 12th क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा है बहुत। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंस्टीट्यूटेड द प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन। तो निम्नलिखित में से किसने कार्यान्वयन और नवाचार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार की शुरुआत की है। तो भाई आवास की बात हो रही है, आंसर क्या होगा। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑप्शन नंबर 4 हमें दिखाई पड़ रहा है, तो वही आंसर होना चाहिए। तो आंसर हमारा वही है, आपके सामने ही है। दानिश पूछ रहा है कि इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेवेंट फॉर एग्जाम। दानिश भाई काम कर दो, मुझे क्वेश्चन दे दिया करो यार, मुझे भी नहीं मालूम कि एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन रिलेवेंट होते हैं। हम तो पढ़ाते हैं, हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं आपके सामने। तो रामनाथ कोविंद रिसीव द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस पी एन भगवती अप्रोच, रिटन बाई दिस पर्सन। तो रामनाथ कोविंद जी को एक बुक मिली है और इस बुक का शीर्षक है लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस पी एन भगवती का दृष्टिकोण। इसकी पहली प्रति प्राप्त हुई है, क्या किसने लिखा यह बुक, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना, क्या इसका आंसर होगा। आइए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर। आंसर आने शुरू हो गए हैं और आंसर क्या होगा, आंसर होगा मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा ने लिखी है ये बुक। तो अश्वनी तिवारी जी आपका क्वेश्चन का आंसर शायद गलत हो गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आइए देखते हैं यहाँ पर 14 क्वेश्चन। तो वेयर विल द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसेस स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल बी होस्टेड फ्रॉम 15 to 22 फरवरी। तो स्पीसीज है, स्पाइसेस नहीं है, ठीक। तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आधारित 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 15 से 22 फरवरी 2020 तक कहाँ किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी 2020 की बात यहाँ पर हुई है और आपको इसका आंसर देना है। देख लीजिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, और जल्दी से यहाँ पर आया करिए, मॉर्निंग में 7:30 पे हमारा शो शुरू होता है। आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा। और यहाँ पे गुजरात आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात इज राइट आंसर। गुजरात में कहाँ, अगर ये मालूम हो तो और मजा आ जाएगा। क्या गुजरात में गांधीनगर की बात हो रही है क्या, आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए 15वां क्वेश्चन। तो विथ होम हैज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन 6 फरवरी। ये भी मैंने शनिवार को एक्स्ट्रा हाईलाइट में आपको पढ़ा मैं चुका हूं, ठीक है। और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं शनिवार को कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम का किसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है ताकि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सके इस ऑनलाइन मार्केट में। गांधीनगर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल सही आंसर। एंड द आंसर इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड GEM, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने यहां पर देखिए। तो विच प्रोग्राम हैज लॉन्च फॉर सिटीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर नेम, न्यू रजिस्ट्रेशन, चेंज इन द वोटर डिटेल एंड करेक्शन इन द वोटर आईडी कार्ड फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शन 2019। तो आपको इसका नाम बताना है कि उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो आगामी चुनाव में आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड में दिक्कत है, नया रजिस्ट्रेशन है, इन सब के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। देख लीजिए यहां पर, और यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर देख लेते हैं, स्पीड कम करें। अच्छा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। वोटर ऑथेंटिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, वोटर वेरिफिकेशन एंड करेक्शन प्रोग्राम, 5 नाम है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PDF आपको मिल जाएगी, हमारे साथ बने रहे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे ही मैं आपको चैट बॉक्स में दे दूंगा सारा, और जो बच्चे ऑफलाइन में देख रहे हैं तो वो इसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 34 क्वेश्चन आपके सामने। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द गर्जी बेलोनिया रेलवे लाइन ऑन 9 फरवरी? तो 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गर्जी बेलोनिया रेल मार्ग परियोजना शुरू की? प्राइम मिनिस्टर जब भी ऐसा कोई काम करते हैं तो वो हमेशा एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है, और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है। चलिए आंसर दीजिए, यहां पे 5 ऑप्शन आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा। त्रिपुरा इज राइट आंसर, तो त्रिपुरा हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहां पर, तो विच बैंक वॉन द 9th एडिशन ऑफ एजीस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 फॉर इट्स प्रोजेक्ट इन डेटा साइंसेस? तो किस बैंक ने डेटा साइंस में अपनी परियोजना के लिए एजीस ग्राहम बेल अवार्ड का 9वां एडिशन जीता है? आपको यह पढ़ाया गया है क्वेश्चन, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं है, आंसर सारे बच्चे करेंगे, बिल्कुल आंसर्स लहराते हुए आने चाहिए, है ना। और आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज यस बैंक। यस बैंक इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी आराम मत करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the government of India decided to abolish the institution of income tax ombudsman and indirect tax ombudsman. The institution of income tax ombudsman was created in which year? तो हाल ही में भारत सरकार ने आयकर लोकपाल और अप्रत्यक्ष कर लोकपाल संस्थान को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो आयकर लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हमारे CCEA ने, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, ये अप्रूवल दिया है इसको हटाने का। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको याद करना है, जरूरी है ये, ठीक। क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2003। तो 2003 में ये एस्टैब्लिश किया गया था, इनकम टैक्स ऑम्बिट्समैन एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑम्बिट्समैन, जो कि हटा दिया गया है। आइए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर बस तुरंत आ रहा है, देखिए। विच सिटी पुलिस कमिश्नर हैज लॉन्च डिजिकॉप मोबाइल एप्लीकेशन? किस शहर के पुलिस कमिश्नर ने डिजिकॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई डिपार्टमेंट जब भी कोई नया पोर्टल, नया एप्लीकेशन लॉन्च करता है, नई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करता है, तो वो हमेशा से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रही है। और क्या इसका आंसर होगा देखते हैं यहां पर, आंसर तो आप लोग दे ही लेंगे। अभी आपको पीडीएफ थोड़ी ना मिलेगा, पीडीएफ वीडियो खत्म होने के बाद मिलता है, अभी नहीं। And the answer is option number 4, चेन्नई। चेन्नई पुलिस ने शुरू किया डिजिकॉप मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपना कोई व्हीकल हो गया जो चोरी वोरी हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 21 क्वेश्चन। ऑन 7 फरवरी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोअर्ड द रेपो रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट 2। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है, और नाउ रेपो रेट कितना है ये आपसे पूछा गया है, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे बच्चे दे लेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 6.25%। तो 6.25% इज राइट आंसर गाइस। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6.25 इज राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए आइए 22 क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड? तो हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से किससे सम्मानित किया गया है? ये आपको पता है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके चीफ है, इनका नाम क्या होगा? आई थिंक सारे बच्चे इसका भी आंसर दे लेंगे, हमने करंट अफेयर्स में काफी क्वेश्चंस किए हैं और ये भी आंसर आप लोग दे देंगे। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा यहां पर, एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा इज राइट आंसर, आप लोग जानते हैं इसका आंसर, बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत, और होप करते हैं कि आप लोग और अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर कर देना। आउट ऑफ 61 क्वेश्चन हमारे पास है, कितने मार्क्स आप लेकर आए, कितने सही क्वेश्चन आप लेकर आए, ठीक है। चलिए तो who has been appointed as secretary of ministry of civil aviation? नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? सिंपल क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। who has been appointed as secretary of ministry of civil aviation? And the answer is ऑप्शन नंबर 4, प्रदीप सिंह खरोला। तो प्रदीप सिंह खरोला इज राइट आंसर, हम जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, एयर इंडिया के चीफ भी हैं ये, आपको पता है, मैंने ये पढ़ाया है आपको, ठीक है। हाँ, खरोला इज राइट आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आपके सामने। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंथम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द उज्ज्वला उत्सव इन न्यू दिल्ली, यानी उज्ज्वला उत्सव न्यू दिल्ली में हुआ था, पहले इन्फॉर्मेशन। On 7 February, who is the composer of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana anthem? तो नई दिल्ली में उज्ज्वला उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गाना लॉन्च हुआ, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गान के रचनाकार कौन है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद करिए।
what is the answer? What is the answer? And answer is Kailash Kher. Kailash Kher is right answer. आप जानते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question की बात करते हैं. हमारा 25 question आपके सामने. Who was appointed as secretary of Ministry of Minority Affairs? तो 7 फरवरी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? आपको ये तो पता होगा ना कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जी. तो आपको अभी सेक्रेटरी पूछा गया है और इसका आंसर आपको देना है. हमारे करंट अफेयर्स में हम प्रॉपर सेक्रेटरीज कराते रहते हैं, हमेशा रिविजन कराते रहते हैं. चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? ये 7:30 पे हमारा शो होता है, कल से आपको डिटेल में टॉपिक्स मिलते हैं सारे, ठीक है? अभी मंडे को केवल हम रिवीजन करते हैं. एंड द आंसर इज शैलेश, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर, जब जान रहे हैं. चलिए आइए 26 क्वेश्चन की बात करते हैं. अ कॉर्पस, कॉर्पस मीन्स कैपिटल, अ कॉर्पस ऑफ रुपीज दिस अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑन 6 फरवरी. जो 6 फरवरी को एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का कोष स्वीकृत किया है? ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है? क्या इसका आंसर होगा? देख लेते हैं आंसर आप लोग क्या देंगे इसका. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2000 करोड़. तो 2000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जहां पर रिटेल मार्केट और होलसेल, जो होलसेल मार्केट होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. होलसेल मार्केट एंड बेसिकली एग्रीकल्चर रिटेल मार्केट, एग्रीकल्चर रिटेल मार्केट, ठीक है? आइए 27 क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे. द प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम विल कॉस्ट रुपीज 10 करोड़ फॉर 3 ईयर फ्रॉम 1718 टू 1920. तो 3 वर्षों के लिए शुरू की गई प्रसार भारती की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना की लागत कितने करोड़ रुपए होगी? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको देना है. क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं? देख लेते हैं यहां पर, जल्दी से आंसर करें. एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1054.52 करोड़. 1052.52 करोड़. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपको. ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 28 क्वेश्चन आपके सामने. जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड तहरीक उल मुजाहिदीन हैज बीन बैंड बाय द होम मिनिस्ट्री ऑन 6 फरवरी. इन विच ईयर डिड द ग्रुप कम इन टू एग्जिस्टेंस? तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी चीज को बैन करती है और स्पेशली कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है. नाम आपको याद रखना है और किस ईयर में ये एग्जिस्टेंस में आई थी ये आपसे पूछा गया है. व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1990. 1990 इज राइट आंसर, ठीक है? ये क्वेश्चन पहले ही मैं करा चुका हूं आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. 29 क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. यहां पर देखिए, तो वेयर विल अ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बी सेटअप हाउसिंग स्पिरिचुअल कैंपस ऑफ नियर अबाउट 45 countries. तो 45 देशों के आध्यात्मिक शिविर वाले एक विश्व विरासत केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? इस्कॉन फाउंडेशन इसको बना रहा है और आपको पता है कि इस्कॉन फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में यह बनेगा. इस्कॉन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यह है वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में कहां पर है? तो आपको इसका आंसर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मायापुर. मायापुर इज राइट आंसर, आप लोग जानते हैं, ठीक है? इट्स मायापुर, नॉट मिर्जापुर, मायापुर, मायापुर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 30th क्वेश्चन आपके सामने. विथ विच बैंक हैज एनटीपीसी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ रुपीज 2500 करोड़ लोन टू पार्ट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑन 5 फरवरी. इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था. मैंने उस समय बोला था ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आया भी, तो आपने देखा भी होगा. ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनटीपीसी, एनटीपीसी किस बैंक के साथ लोन ले रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ये देखने को मिलेगा जरूर आपको. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक इज राइट आंसर गाइस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. और 31 क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर देखिए. तो वेयर विल द नेशनल वॉर म्यूजियम बी इनॉग्रेटेड ऑन 25 फरवरी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा? तो इंडिया गेट के गार्डन में ये बना है, आपको बताइए. तो आंसर इज इंडिया गेट. इंडिया गेट इज राइट आंसर. तो इंडिया गेट हमारा सही आंसर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए. सेंटर एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर एशियाटिक लायन कंजर्वेशन इन गुजरात? तो हमारी केंद्र सरकार ने गुजरात में जो ये एशियाई शेर हैं इनके कंजर्वेशन के लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया है?
ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। चलिए तो जो हिंदी में देखते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरी बातों को सुनिए और आंसर दीजिए क्या इसका आंसर है, बहाना नहीं चलेगा। चलिए तो आइए, यहां पर हमारा 32nd क्वेश्चन आ चुका है। बेटा आंसर क्या है, मुझसे मिलना है, मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, मैं नवी मुंबई में हूँ। वैसे अभी हमारा प्लान चल रहा है कि हम अलग अलग सेंटर्स में आके आपसे मिलें, तो दिल्ली, पटना, जयपुर, कई जगह हम आने वाले हैं बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए। ठीक, चलिए आंसर इज 59 करोड़। सब अंधेरे में तीर मारे हो, 59 करोड़ इज राइट आंसर। चलो जाने दो, आओ 59 करोड़ इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the Sela Tunnel project in which state? तो नरेंद्र मोदी जी ने किस स्टेट में सेला टनल प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहां पर। आइए और आंसर दीजिए। हाँ, ओडिशा भी आएंगे। प्रांजल पांडे एक बार पढ़ लेना बेटा, पूरा पूरा स्कोप पढ़ना उसका, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये देखिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द डीडी अरुण प्रभा चैनल इन विच सिटी। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने डीडी अरुण प्रभा चैनल लॉन्च किया है, 24/7 चैनल है ये, और आपको इसका आंसर देना है किस शहर में दिया है, ठीक है, शुरू किया है। हाँ, वाराणसी में भी आएंगे, वाराणसी तो महादेव जी का दर्शन करने आना ही है यार। कोहिमा, दिसपुर, ईटानगर, पीलिंग, क्या इसका आंसर होगा। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, C3, ईटानगर। ईटानगर इज राइट आंसर। चलिए चलिए अपना अब आंसर में आते रहिएगा, अभी तक तो आप रॉकस्टार बन रहे थे, आगे भी आपको रॉकस्टार बनना है। आंसर्स कितने आपने सही किए मुझे बताइएगा जरूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच कंपनी हैज एक्वायर्ड बेस्ड वर्चुअल सर्च स्टार्टअप ग्रोक स्टाइल। तो किस कंपनी ने ग्रोक स्टाइल को एक्वायर कर लिया है, ये कैसी कंपनी है जो वर्चुअल सर्च करती है चीजों का, वीडियो वीडियो का। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। हाँ, जयपुर भी आएंगे, हर जगह आएंगे बेटा। आइए और आंसर, हैदराबाद भी आएंगे बिल्कुल। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लान में है, सब प्लान में है। और आंसर दीजिए, क्या हुआ प्रांजल बेटा, आंसर दो। चलो सब लोग, अंशुल जय हो जय हो जय हो। चलो आंसर आंसर आंसर। अमीश बोल रहे हैं फेसबुक, संदीप बोल रहे हैं फेसबुक, इसका आंसर क्या है, फेसबुक। फेसबुक इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंटीग्रेटेड पिंक टॉयलेट नेम्ड शी मार्ट एंड लूज इन विच सिटी। तो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया है पिंक टॉयलेट नेम, जिसका नाम क्या है, शी मार्ट एंड लूज इन विच सिटी। और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर हो सकता है। हाँ, रायपुर भी आएंगे बिल्कुल आएंगे। चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। 36 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, व्हाट इज द राइट आंसर, पाकिस्तान आओ। चलिए और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद इज राइट आंसर, या सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल आएंगे, सब जगह आएंगे। चलिए और आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 एशिया एलपीजी समिट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। 2019 एशिया एलपीजी समिट जो है ये किस शहर में हुई, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। हाँ, दिमाग वाली बात थी, हैदराबाद उसमें लिखा था, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो हैदराबाद ही तो होगा ना, क्यों इतना सोचना। आइए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, इसका आंसर तो चलो मालूम चलेगा, न्यू दिल्ली। संदीप आप न्यू दिल्ली बोल रहे हो, आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 76 क्वेश्चन। नाटोस नेक्स्ट मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट विल टेक प्लेस इन विच सिटी। नाटो का अगला मीटिंग, हेड ऑफ स्टेट मतलब नाटो के जो 30 मेंबर कंट्री हैं उनके हेड की मीटिंग इस बार होगी, दिसंबर में होगी 2019 में, कहां पर होगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इसका आंसर देना है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर भी आएंगे, हर जगह आएंगे। चलो जल्दी से आंसर दो, क्या इसका आंसर होगा। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लंदन। लंदन इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर बस आपके सामने तुरंत आ रहा है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है। ठीक है चलिए आइए। हु विल कन्फर्ड विथ के वीरामणि
वीरामणि अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2018. तो के वीरामणि अवार्ड जो है ये किसको मिला है, ये आपसे पूछा गया है फॉर सोशल जस्टिस. यहाँ पे आर के चतुर्वेदी, पी एस कृष्णन, वीरामणि सिंह है और टी एस विजयन शुक्ला है. क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पर. ठीक है हर जगह आएंगे बेटा. चलो अब आंसर दो, क्या इसका आंसर होगा. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पी एस कृष्णन इज राइट आंसर. ठीक है क्वेश्चन को लॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड सेपरेट मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन लेंडर्स यूको बैंक, एक्सिस बैंक एंड विच अदर बैंक ओवर डिफिशियंसी इन कंप्लाइंग विद डिफरेंट रेगुलेटरी नॉर्म्स. तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि तीन बैंक पे लगा था, यूको बैंक पे, एक्सिस बैंक पे और एक बैंक और था, वो कौन सा बैंक है ये आपको बताना है. ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको और इसका आंसर आपको देना है. क्या इसका आंसर होगा, चलिए बताइए मुझे क्या इसका आंसर होगा जल्दी से. कोटक महिंद्रा बैंक कहाँ था, पढ़ाया हूँ मैं ये सब. इसका आंसर होगा नेक्स्ट सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी, सिंडिकेट बैंक इज राइट आंसर, सब पढ़ाया गया आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. In order to meet additional expenses, how much additional amount has government decided to raise through dated securities? Dated securities का मतलब होता है just like treasury bill, just like cash management bill, government of India इन securities को sell करके पैसे उठाता है market से through RBI, Reserve Bank of India. क्या इसका answer होगा कि government of India अपने additional expenses के लिए कुछ dated securities की नीलामी लगवाने वाला है, कितना amount government उठाने के mood में है dated securities के through? आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 पे हम चल रहे हैं एंड आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 36,000 करोड़, 36,000 करोड़ रुपए ये आपके सामने आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 42 क्वेश्चन. Which company launched a digital skilling and mentorship initiative goal across 5 states in India? तो हमारे देश में 5 स्टेट में कौन सी कंपनी गोल जो कि स्किलिंग एंड मेंटरशिप इनिशिएटिव है, मतलब स्किल अपग्रेड करने के लिए और मेंटरशिप देने के लिए, तो ये कौन सी कंपनी है गोल जो 5 स्टेट में कार्यक्रम शुरू करने वाली है, प्रोग्राम शुरू करने वाली है और क्या इसका आंसर होगा. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक. फेसबुक अगेन इज राइट आंसर, फेसबुक याद कर लीजिएगा, गोल फेसबुक. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो 43rd क्वेश्चन आपके सामने, हु वॉज डिक्लेयर्ड द विनर इन ईएल स्लावोडोर प्रेसिडेंट इलेक्शन. तो ईएल स्लावोडोर की बात करें तो ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है. देख लीजिए, तो ये कंट्री है, शायद मे भी आप लोग में से बहुत लोगों ने इसका नाम ही सुना नहीं होगा आज तक. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइब बुकेले. तो ये नाइब बुकेले इज राइट आंसर, याद कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which finance company has signed a binding agreement to acquire the CV finance business of India Infoline Finance Limited, a subsidiary of IIFL Holding Limited? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फाइनेंशियल कंपनी है जो कि इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड को एक्वायर करने जा रही है, जो कि जो एक्वायर कंपनी हो रही है वो IIFL की एक सब्सिडियरी कंपनी है. ठीक, इतना आपको पढ़ना है, आपको बताना है ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड को एक्वायर कर रही है. सिंपल सा क्वेश्चन, कमेंट थोड़े धीरे पड़ गए, लग रहा है तो क्वेश्चन बहुत टफ है या तो. ठीक है चलिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड. तो इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड जो है ये आपका राइट आंसर है. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज बॉट अ 14% स्टेक, स्टेक का मतलब शेयर है, तो 14% शेयर इन विच माइक्रो फाइनेंस कंपनी ऑफ इंडिया. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे देश के किस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 14% शेयर को परचेस किया है, ये आपसे पूछा गया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने शेयर खरीदा है 14% इंडिया के माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया और आपको इसका बताना है क्या इसका आंसर है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अन्नपूर्णा फाइनेंस. तो अन्नपूर्णा फाइनेंस में 14% शेयर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने परचेस किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की.
Which state occupied the top slot in the ranking of best practices followed by state in the budget formulation as per a survey by Transparency International? So, Transparency International ke hisab se टॉप पर कौन सा स्टेट है जिसने बजट की पॉलिसीज को सबसे अच्छे से अपने स्टेट में इंप्लीमेंट किया हो, तो ये भी एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी मुझे कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल दे रहा हूँ फिर, क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी है। एंड द आंसर इज आसाम। आसाम इज राइट आंसर, आप देख लीजिए, आसाम पे क्लिक कर लीजिएगा, आसाम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Recently, Prince Albert II arrived in India on a week-long visit. He is the head of state of which country? आपसे बोला बताया गया है कि Prince Albert II जो है ये एक वीक के लंबे प्रोग्राम पर इंडिया में आए, तो ये किस कंट्री के हेड ऑफ स्टेट हैं ये आपसे पूछा गया है। तो प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड, देख लीजिए किस देश के ये प्रिंस हैं, आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, मोनाको, ईरान। दिमाग वाला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में मोनार्च नहीं चलता है, मतलब किंग नहीं चलते हैं। ईरान में भी आपने सुना नहीं होगा, बच्चा यूक्रेन मोनाको, तो आपको पता है कि अभी मोनाको का पढ़ाया गया, आपको मोनाको आंसर होगा, इंडिया मोनाको पार्टनरशिप समिट आपको पढ़ाया गया था मोनाको। कभी कभी दिमाग लगाने वाली बात होती है, ऑप्शन से खेलना सीखिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन विल द 30th रोड सेफ्टी वीक 2019 ऑब्जर्व इन इंडिया? तो रोड सेफ्टी वीक जो है वो कौन सा वीक था जो इंडिया में ऑब्जर्व किया गया, तो ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग इसे कर भी चुके होंगे, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4th February to 10th February, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन। तो विच इंडियन वुमेन्स हॉकी प्लेयर कंप्लीटेड 150 इंटरनेशनल मैचेस? तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम की वो कौन सी प्लेयर है जिन्होंने 150 इंटरनेशनल मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं, अपने आप में एक माइलस्टोन है बहुत बड़ा। क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए, यहां पर आंसर आपको देने हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नवजोत कौर। नवजोत कौर ने 150 इंटरनेशनल मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 50th क्वेश्चन। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन कंपनीज डूइंग बिजनेस अब्रॉड? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन कंपनीज डूइंग बिजनेस अब्रॉड? इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? हालांकि इंडिया इसमें यूके यूएस से आगे है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ये सुनने में आती है। तो आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11th। तो 11th रैंक जो है वो सही आंसर है हमारा। ठीक है, इंडिया 11th रैंक पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, 2 RRBs, दो ग्रामीण बैंक, पल्लवन ग्रामीण बैंक एंड पांडियन ग्रामीण बैंक विल बी मर्ज टू फ्रॉम विच बैंक? तो दो ग्रामीण बैंक के नाम आपको बताए गए हैं और ये जो है ये किस ग्रामीण बैंक में मर्ज हो रहे हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर पल्लवन एंड पांडियन ग्रामीण बैंक ये किस बैंक में मर्ज हो जाएंगे? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक। तमिलनाडु ग्रामीण बैंक में दोनों बैंक मर्ज हो जाएंगे। मंडे को हमारी क्लास जरूर देखा करिए, आपने पूरे दो वीकली मंथली दो रिवीजन आपको करने ही चाहिए, वरना फिर करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिल पाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो विच स्टेट गवर्नमेंट इंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट टू इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट बाय बूस्टिंग डिजिटल लिटरेसी? तो कौन सा राज्य सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट से एग्रीमेंट किया है टू इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, और ये कैसे इंप्रूव होगा, डिजिटल लिटरेसी से होगा। तो उस स्टेट का नाम आपको बताना है, क्या नाम है स्टेट का। एंड द स्टेट इज सिक्किम। सिक्किम एंड माइक्रोसॉफ्ट इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है ये देखिए। द 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? चौथा एडिशन इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस वो किस शहर में हुआ ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है। जी हाँ, टेस्टबुक के साइट पर जाइए, वेबसाइट पर, वहाँ पर ब्लॉग के ऑप्शन में जाएंगे। ब्लॉग के ऑप्शन में आपको मंथली PDF मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। www.testbook.com के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ ब्लॉग का ऑप्शन लेफ्ट हैंड दिखेगा आपको, ब्लॉग पर क्लिक करिएगा, आपको CA मिल जाएगा पूरे मंथ का। चलिए, एंड द आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ पशु
कुमकुमा स्कीम एंड वेलफेयर पेंशन. तो टर्मरिक कुमकुम है यहाँ पर. तो किस स्टेट ने सेकेंड फेज लॉन्च किया है, इनकी एक पेंशन स्कीम है, उसका नाम क्या है? पशुपु कुमकुमा तो स्कीम है और वेलफेयर पेंशन स्कीम है. ये किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया है. इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम वाली बात हो रही है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा 55 क्वेश्चन. तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना. ये तो पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको. तो रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना मतलब अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपको बताना है. आपके सामने चार ऑप्शन है. वॉट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिनेश भाटिया. दिनेश भाटिया इज राइट आंसर. दिनेश भाटिया हमारा राइट आंसर है. दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. देखिए 56 क्वेश्चन. तो विच कंट्री हैज वॉन द 2019 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट. Which country has won the 2019 Asian Cup football tournament? Japan हारा है. Japan second number पे आया है. पहले पे कौन है ये आपको बताना है. चार option के साथ है, simple सा question है. And the answer is option number C, Qatar. Qatar ने Japan को हराकर 2019 Asian Cup football tournament जीता. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने next question की. हमारा next question. वेस्ट सिटी इज द वेन्यू ऑफ द ICT अकेडमी ब्रिज 2019 कॉन्फ्रेंस. तो किस शहर में ICT अकेडमी ब्रिज 2019 कॉन्फ्रेंस हुआ, ये आपको बताना है और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पर. वॉट इज राइट आंसर? जयपुर, न्यू डेली, पुणे, चेन्नई. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई. चेन्नई इज राइट आंसर. ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, चेन्नई इज राइट आंसर. ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर बस आ गया. देखिए who was honored with the first World Smith Award 2019 for his contribution in Indian literature at the World Count Festival 2019 held in Pune. तो पुणे में वर्ल्ड काउंट फेस्टिवल हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था. तो यहीं पर एक क्वेश्चन है कि who was honored with the first World Smith Award 2019. तो आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है. क्या इसका आंसर है? तो मंडे वाली क्लास में फिर से बोल रहा हूं कि इसे जरूर ज्वाइन किया करिए. वो सारे करंट अफेयर्स जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो आपको मिलते हैं, लेकिन वो सारे करंट अफेयर्स जो हमसे छूट जाते हैं ड्यू टू टाइम बहुत कम हमारे पास नहीं मिलता, तो वो सब मंडे वाली क्लास में हम कवर करने की कोशिश करते हैं. आप भी देखते हो सब. ठीक है चलिए आंसर दीजिए. एंड द आंसर इज पवन कुमार वर्मा. पवन कुमार वर्मा इज राइट आंसर गाइस. चलिए आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Who is the head of the committee which is constituted by the Maharashtra to review welfare scheme for tribals? तो आपको बताना है कि उस कमेटी का हेड कौन है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है टू रिव्यू वेलफेयर स्कीम फॉर ट्राइबल्स. तो जो जनजातीय लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स बनाई है गवर्नमेंट ने, उसको फिर से चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई. उसके लीड कौन कर रहा है ये आपको बताना है. एंड द आंसर इज विवेक पंडित. विवेक पंडित इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. 60 क्वेश्चन की बात करते हैं. तो हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया. सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया क्वेश्चन है. कोलंबिया में भारत के नए राजदूत कौन अपॉइंट हुए हैं, तो टाइम लेंगे इस पर. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संजीव रंजन इज राइट आंसर. आपको पता है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की. और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है. विच डांसर वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2017 अंडर द कैटेगरी कथक ऑन 6 फरवरी. तो मैंने आपको ये तो पढ़ाया था कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड बांटे गए. अब वसी पर एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिया गया है कि संगीत नाटक अकेडमी 2017 में कथक कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है. ठीक है. एंड द आंसर इज शोभा कोसर इज राइट आंसर. दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन. आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा. तो मंडे वाली क्लास कभी ना छोड़े. PDF की लिंक मैं आपको दे रहा हूं, डाउनलोड कर लीजिए. खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, बिल्कुल कोई बहाना मत बनाइए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. और मेहनत कहाँ से करेंगे आप? मेहनत आप तब करेंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस तब होगा जब आपका गोल क्लियर होगा, और गोल तब क्लियर होगा जब आपको उसकी नीड का पता होगा. कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपके परिवार के एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों से आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हैं, क्या आप जिंदगी भर लूजर बनाना चाहते हैं या जिंदगी भर आप डोमिनेट करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में है. अभी जाग जाएंगे अच्छा होगा, नहीं जागेंगे तो फिर लाइफ तो चलनी ही है, लेकिन अब वो लाइफ कैसे चलती है वो आप डिसाइड करेंगे.
थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिए. ट्यूसडे को फिर हम मिलेंगे और फिर डीप में करंट अफेयर्स की बात करेंगे. वहां पर हम समझेंगे चीजों को, ठीक है. मंडे वाली क्लास कभी मत छोड़िए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है. पीडीएफ की लिंक मैंने आपको दे दी है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिएगा.